ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी डाइट को लेकर काफी चर्चाओं में बने हैं। ऋषि सुनक ने हाल ही में रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक लगातार 36 घंटे का उपवास किया। इस फास्टिंग को इस पूरे समय में वो किसी तरह का सॉलिड फूड नहीं खाते, वो केवल पानी, चाय और कैलोरी फ्री ड्रिंक ही पीते हैं। इस तरह की फास्टिंग के बारे में सुनकर अब लोग भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये मॉन्क फास्टिंग है क्या। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। इस तरह के उपवास को मॉन्क फास्टिंग कहते हैं। इसमें व्यक्ति 5 दिन सामान्य रूप से भोजन करता है और बचे हुए 2 दिनों में अपनी कैलोरी इनटेक को 300 से 500 कैलोरी तक सीमित कर देता है। इस तरह के उपवास के कई फायदे हैं। ये डाइट वजन घटाने में मदद करती है। ये ऑटोफैगी को भी एक्टिव रखती है। ऑटोफैगी एक तरह की नेचुरल सेलुलर प्रक्रिया है जो डैमेज हुई सेल्स को खत्म करती है और हेल्दी सेल्स को बनाने में मदद करती है। इसकी मदद से शरीर तरह तरह की बीमारियों से भी बचा रहता है। कई अध्ययनों से ये पता चला है कि 5:2 डाइट वजन घटाने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी ज़्यादा इफेक्टिव है। हालांकि इसमें कैलोरी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उपवास के दौरान अपनी जितनी कैलोरी कम करने में मेहनत की है, कोशिश करें कि गैर उपवास वाले दिन उसकी अति न करें। इसके अलावा 24 घंटे से ज़्यादा लंबित वक्त तक उपवास करने से भूख, थकान, नींद न आना और सरदर्द जैसी चीज़ें भी होती हैं, इसलिए खान पान का खास ध्यान रखें। किसी भी तरह की फास्टिंग किसी न किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें। वहीं आपको बता दें कि इस तरह की फास्टिंग सबको करने की सलाह नहीं दी जाती। 25 साल से कम उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे लोग या मेडिकेशन वाले लोगों को इस तरह की फास्टिंग से बचना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर को विशिष्ट पोषण संबंधी ज़रूरतें होती हैं, इसलिए फास्टिंग में आपकी तबीयत खराब हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।